किसी फिल्मी हीरो जैसा दिखने वाला ये शख्स एक गैंगस्टर है जो अब तक लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका है। लेकिन बरेली पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर लोगों से ठगी करने वाले इस गैंगस्टर शानू उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है। इसके कब्जे से 13 एटीएम कार्ड और तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। हैरानी ये कि इस गैंगस्टर का पिता सत्येंद्र उपाध्याय सिपाही है और इन दिनों सस्पेंड है। बरेली पुलिस के मुताबिक मौजूदा वक्त में शानू सुभाष नगर की तिलक कॉलोनी में रह रहा था। रविवार को शानू सिटी स्टेशन के सामने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में अलग अलग कार्ड के जरिए रुपए निकालने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच किसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दे दी और उसे पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान इस गैंगस्टर के कब्जे से अलग अलग बैंक के 13 एटीएम कार्ड, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। दबंगई के चलते इसने अपने हाथ पर बतौर टैटू गैंगस्टर लिखवा रखा है। पुलिस के मुताबिक एटीएम बूथ में लोगों की मदद करने के बहाने आरोपी एटीएम कार्ड बदल लेता है और फिर उनके खाते से रुपए निकाल लेता था। इस तरह की वारदात करने की वजह से आरोपी नोएडा, अमरोहा और शाहजहांपुर जिले की जेलों में भी जा चुका है। इसके अलावा गिरफ्तार गैंगस्टर के खिलाफ जानलेवा हमला और अपहरण समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में आरोपी के गिरफ्त में आने के बाद एटीएम कार्ड के जरिए ठगी के मामलों में थोड़ी कमी जरूर आएगी। हालांकि पुलिस पता लगा रही है कि यह अकेला ही वारदात करता था या फिर इसने पूरा गिरोह बना रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे।